गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है और आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की 6वीं क्लास है, यानी पार्ट 6 है। तो इससे पहले वाली 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट ने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करें। तो अभी हमारी 2 क्लासेस चल रही हैं। पहली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की, जो सुबह 10 बजे, ये डेली क्लास होती है ना, ये क्लास रेगुलर है और डेली होती है। सेकंड क्लास जो चल रही है, वो चल रही है एमपी पुलिस पीवाईपी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन है वो चल रहा है, वो शाम को 5 बजे। अल्टरनेटिव है, अभी अल्टरनेटिव कब है, MWF में, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आज सैटरडे है, याद रहे, आज शाम को एमपी पुलिस पीवाईपी का सेशन आने वाला है। ये जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शानदार और इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आप लोग जरूर देखें, और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग उस सेशन को जरूर देखें, क्योंकि एमपी पुलिस पीवाईपी में क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपकी तैयारी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आपको पैटर्न और आपको मतलब एक्सपीरियंस भी मिलेगा, है ना। तो जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, वो लोग भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, पेपर है वो टीसीएस तैयार करता है, टीसीएस पेपर तैयार करता है, तो वो सारे पेपर आपके तैयार करता है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीवाईपी के, एमपी पुलिस के पेपर के क्वेश्चन हैं, वो आपको हर एग्जाम में लगभग लगभग देखने को मिलते हैं। चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो जो कंप्लीट टॉपिक हो चुके हैं, वो टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है, वर्क एंड वेजेस कंप्लीट हो चुका है, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, और परसेंटेज भी कंप्लीट हो चुका है। साथ में इनके टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं, उनके टेस्ट के सॉल्यूशन भी हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, वो प्लेलिस्ट से जाके पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रति से बताएं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो 33 मीटर अगर कपड़ा उसने बेचा है, तो 33 मीटर कपड़ा उसने खरीदा भी होगा कभी, तो मैं मान लेता हूं 33 मीटर कपड़ा उसने बेचा है, एसपी किया है, तो ये 33 मीटर कपड़ा उसने खरीदा भी होगा, तो उसको मैं क्या लिख देता हूं, सीपी। ठीक है, अब वो क्या करता है, इसको जो बेचता और खरीदता है, वो पैसे से मतलब नहीं, उसको उसको एक क्वांटिटी से मतलब है। तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ कमा रहा है, तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, और लाभ को अगर मैं सीपी में जोड़ देता हूं, तो विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो अब आप देखें, 11 एसपी इधर आएंगे, तो ये कितना बचेगा, 22 एसपी, क्योंकि माइनस हो जाएगा, और ये देखेंगे तो ये कितना है, 33 सीपी। तो अब आप सी एस अपॉन सी शॉर्ट में लिख देते हैं, एस अपॉन सी का रेशियो निकालेंगे, 3/2 आएगा, मतलब दो की चीज को आपने कितने में बेच दिया, 3 में। कितने का फायदा हुआ, 1 का। फायदा हो चाहे नुकसान हो, हमेशा हम किस पर कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर। तो आंसर कितना आएगा, 1/2% के लिए 100, तो आंसर आ गया हमारा कितना, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको एक तरीके से और बताता हूं, देखिए, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए लाभ क्या होता है, तो आप देखिए लाभ कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट क्या होता है, तो आप कहेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। क्या इस बात को आप समझ पाए, तो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर मैं कहूँ लॉस क्या होता है, तो आप कहेंगे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो फिर क्या होगा, लॉस। क्या ये 2 बातें आपको समझ में आ रही हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अगर एसपी ज्यादा होता है तो हमें क्या होता है, लाभ, और अगर सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। इस बात को आप समझ गए, ठीक है। देखिए, 11 मीटर कपड़ा बेचकर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब एसपी ज्यादा है। कितना, तो अब आप कहेंगे 33 मीटर कपड़ा उसने बेचा है, ठीक है, 33 मीटर कपड़ा उसने बेचा है, अब लाभ को मैं क्या करूं, माइनस कर दूं या सीपी। देखिए, सीपी है, ये क्या है, सीपी। अगर मैं लाभ को सीपी से माइनस कर दूं, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, वो
सीपी बराबर प्रॉफिट। और क्या है देखिए, एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? प्रॉफिट। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ये इधर आएंगे 11, तो ये माइनस के होंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 22 एस पी बराबर, और ये माइनस के 33 इधर जाएंगे, तो प्लस के 33 सी पी। 11 से आप इसे काट देंगे 3 बार, 11 से इसे काट देंगे 2 बार, तो एस अपॉन सी का रेशियो क्या बनेगा? 3/2, यानी 2 के सामान को आपने कितने में बेच दिया? 3 पे। कितने का फायदा हुआ? 1 का। और 1 का फायदा हो चाहे नुकसान, हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। 1/2 कितना होता है? 25%, सॉरी 50%। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक दुकानदार, आगे क्या बोला गया है, एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठा रहा है। इस बार क्या हो रही है उसे? हानि। हानि हो रही है तो अब आप जानते हैं हानि कब होती है। सर अभी अभी हमने सीखा था, जब सीपी बड़ा हो एसपी से तब हमें लॉस होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए 33 मीटर कपड़ा उसने अगर खरीदा है, तो 33 मीटर कपड़ा फिर बेचा भी है, और अगर एसपी छोटा है सीपी बड़ा है, तो उसे लॉस होगा। और कितने का? 11। एसपी क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होती है। तो अब आप देखेंगे ये 33 तो इधर ही रहेंगे, 33 सीपी, ये माइनस के उधर जाना चाहेंगे, तो क्या होगा? माइनस के इधर जाएंगे, तो प्लस, प्लस के कितने? 44 एसपी। अब आप देखेंगे 11 से इसे काट देंगे 3 बार, 11 से इसे काटेंगे 4 बार, तो सी अपॉन एस का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 4/3, यानी 4 का सामान आप खरीद कर लाए थे, 3 में आपने बेच दिया, कितने का नुकसान हुआ? 1 का। और नुकसान हो चाहे फायदा हो, किस पर कैलकुलेट होता है? सीपी पर। 1/4 क्या होता है? 25% की हानि। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल, लैंग्वेज को पढ़ना है और उन क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। इस बार भी क्या हो रहा है? हमें तो ये देखना है कि हानि हो रही है कि लाभ। तो आपने कहा सर हानि हो रही है, हानि कब होगी? जब सीपी बड़ा होगा। तो 33 मीटर कपड़ा, और अगर मैं उसमें से एसपी घटा दूं, कितना? 33 ही बेचा है, तो उसे क्या होता है? 11 मीटर कपड़े की हानि, लेकिन इस बार हानि कैसी है? क्रय मूल्य के बराबर, यानी सीपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। अब आप देखिए 33 है, ये 11 सीपी इधर आएंगे तो माइनस होंगे, तो ये कितना बचेगा? 22 सीपी। अगर ये 22 सीपी बचाए तो ये इधर जाएंगे, तो क्या होगा? 33 एसपी। अब आप 11 से इसे काट देंगे ये 2 बार, 11 से काट देंगे ये 3 बार, तो C अपॉन S का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 3/2, यानी आप 3 का सामान खरीद के लाए थे, कितने में बेच दिया आपने? 2 में। तो आप देखेंगे 2 में बेचा, यानी 1 का नुकसान हुआ है, कितने पर? 3 पर। और 1/3 क्या होता है? 33 सही, 1/3%। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, तो आप क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर भी करें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, एक दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। तो अब आप देखेंगे हानि उठा रहा है, तो इसमें भी क्या होगा? ये क्वेश्चन भी अब आप करके देखना है ना, बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन हो गए हैं। 11 मीटर कपड़े क्रय मूल्य का हानि उठाता, हाँ दोनों एक जैसे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है ना, क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो आप इसको कर लेना घर पर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है, क्वेश्चन वही है। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचकर 7 गेंदों के क्रय मूल्य की जितनी हानि होती है, तो 1 गेंद का सीपी बताएं। देखिए पहले तो देखिए क्या हो रही है, हानि हो रही है, कितने? 17 गेंदों को बेचकर। तो हानि कब होती है? जब सीपी बढ़ा हो। तो 17 अगर इसने खरीदी थी तो 17 ही इसने बेच दी, और 17 अगर इसने बेच दी है तो इसको हानि हुई है कितने की? 5 गेंदों की, और वो भी क्रय मूल्य जितनी, लिखा ना क्रय मूल्य की जितनी हानि होती है, तो मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे ये 5 इधर आना चाहते हैं, तो ये कितना बचेगा? 12 सीपी, और ये
-17 इधर जाएंगे तो प्लस के 17 एस पी। तो अब आप देखेंगे सी अपॉन एस का जो रेशियो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 12 17/12 यानी आपने कितने में बेचा है, 12 रुपए में, पर आपने 12 में नहीं बेचा है, कितने में बेचा है? तो आप कहेंगे 12 में ना बेचते हुए 72 में बेचा है। तो आप देखेंगे एक यूनिट का मान, अगर 12 यूनिट का मान 72 है तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 12 से काट लेंगे 6 यूनिट का मान, एक एक यूनिट का मान कितना है 6, चूंकि 17 पेन है हमें एक का ही चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक। ठीक है, पसंद आ रहे हैं आपको क्वेश्चन और समझ में भी आ रहे हैं। क्या बोला गया था, 17 गेंदों को इतने रुपए में बेच के 5 गेंदों के, हमें तो पता है कि हानि हुई है, और हानि कब होती है जब आप जानते हैं सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो, तो सीपी को एसपी में से घटा भी दें तो हमें हानि होती है। और यहां मैंने सीपी क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है क्रय मूल्य जितनी हानि है, अगर विक्रय मूल्य जितनी हानि होती तो हम यहाँ एसपी लेते। मैंने इसको बराबर कर दिया, तो एक पेन को मैंने 17 में खरीदा है, एक पेन को मैंने 12 में बेचा है, तो ये 12 में नहीं बेचा था, कितने में बेचा था, 720 रुपए में। तो आंसर के एक यूनिट का मान 60 आ गया, तो एक पेन की कीमत कितनी, 60। लेकिन अगर पूछें कि पेन जो गेंद है या जो भी है, गेंद की कीमत पूरी बताएं, मतलब पूरी 17 की, तो 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन ने 25 किताबें 2000 रुपए में खरीदी और उनको बेचकर 5 किताबों के मूल्य के लाभ हुआ है। पहले तो ये देखिए आपको क्या हुआ है लाभ। अब लाभ कब होता है, जब एसपी ज्यादा हो और सीपी कम हो। तो कितनी किताबें थी, 25, तो इसका मतलब है 25 किताबें थी, 25 किताबें बेची हैं, तो 25 ही उसने खरीदी होंगी, और लाभ हुआ है उसको कितने का, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ इस बार क्या आने वाला है, एसपी। तो ये 5 एसपी इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, 20 एसपी, और ये माइनस के इधर जाएंगे तो ये क्या होंगे, प्लस के 25 सीपी। 5 से इसे काट देंगे 5 बार, 5 से इसे कैंसिल करेंगे ये 4 टाइम। तो एस अपॉन सी का रेशियो कितना आ गया, 5/4। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब आप बताइए, आपने ये जो सामान है ये 4 रुपए में खरीदा था, पर आपने 4 में नहीं खरीदा, इस बार कितने में खरीदा है, 2000 में। तो 4 यूनिट का मान कितना है, 2000। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक यूनिट का मान यहाँ से कितना आने वाला है, एक यूनिट का मान आएगा यहाँ से 500। ठीक है, 500 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, कुछ गलत, अच्छा, ठीक है ठीक है। 25 किताबें कितने में खरीदी थी, सॉरी, 25 किताबें अगर आपने 2000 में खरीदी हैं, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, एक यूनिट का मान कितना आएगा, 25 है ना, तो अब आपको एक यूनिट का मान 200, 500 मिल गया ना। कुछ गलती है क्या इस क्वेश्चन में, 25 8 200 80 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 25 8 280 बार। ठीक है, तो अब ये 4 यूनिट का मान कितना है, 80 आएगा, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 20, तो 20 पंजे कितना होगा, तो आप देखेंगे 20 यूनिट का मान कितना होगा, 100। एक तो इससे भी निकाल सकते हैं, दूसरा मैंने ये जो कैलकुलेशन किया है इससे भी, देखिए मैं पूरा फिर से समझ देता हूँ आपको, देखिए कोई बात नहीं, देखिए पूरा हटा दीजिए इसको, ठीक है, देखिए पूरा समझ लेते हैं फिर से। देखिए बोला गया, पहले तो बताइए लाभ हुआ है, लाभ हुआ है का मतलब उसने 25 किताबें अगर बेची हैं तो 25 ही किताब उसने क्या किया होगा, खरीदी भी होंगी, और इस बार उसको 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इस इक्वेशन को बनाने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब आप देखिए ये 5 इधर आएंगे तो इतना तो पता है, 20 एस बचेगा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, और ये कितना होगा, 25 सी, तो एस अपॉन सी भी कितना आएगा, तो आप कहेंगे एस अपॉन सी आने वाला है कितना, 5/4। तो अब आप देखिए ये किताब कितने में खरीदी थी आपने, आप कहेंगे 2000 में। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये इसको इससे काटेंगे तो ये 500, और 5 एक यूनिट का मान कितना है, 500, तो 500 से इसे काटेंगे तो फिर और ये कितना आएगा, 100। या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर आपको इतना पता है कि 25 किताबें कितने में, 2000 में, तो एक यूनिट का मान यहां से कितना आएगा, 800।
तो एक यूनिट का मान 800 है, तो सी कितना था, 4। अगर 4 बराबर 800 तो एक यूनिट का मान 20, और 20 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक किताब का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 20 पंजे 100। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 घड़ियां जिनका क्रय मूल्य समान है, प्रत्येक को इतने रुपए में बेचकर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के पर लाभ हुआ है। लाभ कब होता है, 14 घड़ियां हैं तो 14 घड़ियां अगर उसने बेच दी हैं तो लाभ कब होगा, जब 14 उसने खरीदी भी होंगी, और लाभ हो रहा है सीपी होगा ये ना, ये सीपी आएगा। अगर उसको लाभ हो रहा है, लाभ कितने पर हो रहा है, तो आप कहेंगे लाभ हो रहा है, और लाभ कितने पर, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना, तो 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर। अब आप देखिए ये तो इतना ही रहेगा 14 SP, ये माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के होंगे, 14 और 4 कितना होता है 18 CP, तो S/C में लिख देता हूँ, उसको 2 से काट लेते हैं, ये 9 और ये कितना 7, तो अब आप देखेंगे ये 9/7, तो इसको 9 में ना बेचते हुए कितने में बेचा है, तो 9 पंजे कितना होगा 45, और 1 यूनिट का 5 है तो 7 पंजे 35, यानी उसका CP कितना रहा 350, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले पैटर्न के क्वेश्चन हैं, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप एक बार। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, चलते हैं। बोला गया है यदि राम 10 रुपए में 11 वस्तुओं की दर से खरीदता है और सभी वस्तुओं को 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताएं, लाभ परसेंट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, कि इस तरह से क्वेश्चन आपने देखे कई बार देखे होंगे और किए भी होंगे, तो हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, देखिए यहां एक तरफ लिख लीजिए आप रुपए, एक तरफ लिख लीजिए आर्टिकल, आर्टिकल मतलब होता है वस्तु है, आर्टिकल। अब आप बताइए 10 रुपए में, तो मैं लिख 10 रुपए में कितने वस्तु हैं, 11, 11 आर्टिकल। आपने ये क्या है, सीपी है, तो मैं यहां थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, ये सीपी है। आगे बोला गया वस्तुओं को बेचकर, तो अब आप क्या आने वाला है, ये यहां पर SP, और कितने रुपए कितने हैं, ये देखिए 11, तो 11 रुपए में इस बार कितनी 10 वस्तु। अब आपको क्या करना होगा इसमें, इसमें आपको क्वांटिटी बराबर करनी होती है, तो क्वांटिटी बराबर करेंगे नहीं आर्टिकल, तो इस इक्वेशन में मैं अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो अब आप 10 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे तो 10 धाम कितना होगा 100, और 10 से 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 121, और 11 धाम 110। अब आप देखें आर्टिकल बराबर होगा, ये पहली वाली चीज सीपी थी, ये दूसरी वाली चीज क्या है SP। अब आप बताइए 100 रुपए के सामान को आपने कितने में बेचा, 121 में, कितने का फायदा मिल गया आपको, 21 का, और फायदा हो चाहे नुकसान हो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा, तो ये 100 पर कैलकुलेट करोगे तो इसलिए डायरेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा 21। ठीक है 21। इस क्वेश्चन को आप और थोड़ा शॉर्ट करते, आपको देखिए जब भी ये दिया हो, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, देखिए ये तो आपको पता है ये 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और ये 11 रुपए में 10 वस्तुएं, तो अब आपको इसको बराबर करना है, तो 10 का मल्टीप्लाई सीधा इसमें करके इस इक्वेशन को लिखना है, इसको मत लिखिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आपको इस क्वेश्चन में, ऐसे 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 11 11 121, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बराबर ही होगा, तो लिखने में भी आपके 2-3 सेकेंड चले जाएंगे, तो दो दो तीन तीन सेकेंड आप ऐसे बचा सकते हैं। अब आप देखेंगे 21% का इसमें क्या हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं और 25 रुपए में 9 की दर से संतरे बेचे जाते हैं। देखिए एक तरफ तो आपके पास रुपए दे रखे हैं, एक तरफ आपको आर्टिकल दे रखे हैं, तो मैं शॉर्ट में आर्टिकल लिख देता हूं। अब आपको पता है कि 25 रुपए में 10 संतरे खरीदे गए, तो ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सीपी, और 25 रुपए में ही 9 की दर से आपके बेचे गए, ये आपका SP है। तो अब आपका पहला काम क्या है,
पहला काम वही है कि आपको आर्टिकल बराबर करना है, तो इस इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बस। अब आपको पता है 9 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 नंबर में कितना होगा, 225। इस इक्वेशन को यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी अभी मैंने बताया है 25 धाम कितना होगा, 250। तो पहले वाली चीज़ सीपी थी आपकी और दूसरी क्या है, एसपी। तो अब आप देखेंगे कितने का फायदा दिख रहा है सर, 25 का, और 25 का फायदा है तो फायदा किस पर होगा, सीपी पर कैलकुलेट। तो अब आप देखेंगे ये कितना आएगा, 225। तो आप इसे काटेंगे, ये 5 है ना, 25 से कम 25, 25 नौ में 200, 1/9 क्या होता है। तो जो स्टूडेंट पुराने हैं जिन्होंने शुरू से मेरी क्लास देखी है वो जानते हैं कि 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9 बस है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन बोला गया है 100 रुपये में 11 किताबों को खरीद कर 110 रुपये में 10 किताबें बेचता हूँ तो प्रति किताब पर ला परसेंट कितना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सर। तो अब मैं यहाँ आर लिख देता हूँ, ये रुपए और ये आर्टिकल है आपके, ये वस्तु है। तो 100 रुपए में कितनी किताब है, 11, फिर 110 रुपए में कितनी किताब है, 10 किताब है। तो आपको क्या बराबर करना है, याद रहे ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। अब आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई और इसमें कितने का, 11 का, 10 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1000। 11 से 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और 1 0, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। 1000 के सामान को कितने में बेच दिया, 1210 में, कितने का फायदा हुआ, 210 का, कितने पर, ये तो सीपी पर कैलकुलेट होगा परसेंट के लिए 100। 3 0 ऊपर दिख रही है, 3 0 ये, यानी आंसर कितना आएगा, 21%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगर आपको दोस्तों ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करें। आज शाम को पीवाईपी का इंपॉर्टेंट सेशन है तो उसे सभी लोग ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं एक बार अपन। पहले निशा कुछ संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदती है और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 की दर से खरीदती है। ध्यान रहे इस बार क्वेश्चन क्या है, 2 बार खरीदे गए हैं इस बार। अभी जो पहले क्वेश्चन थे वो 1 बार खरीद रहे थे हम, 1 बार बेच रहे थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सामान को 2 जगह से भी खरीदते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए 2 जगह से खरीदेंगे तो क्या करेंगे। तो आप जानते हैं कोई भी चीज हो, या हम आम खरीदें या एप्पल खरीदें, तो मान लीजिए एक बार मैं यहाँ से खरीद लाया, एक बार यहाँ से, तो मैं क्या करूँ, घर पर दोनों को मिक्स करूंगा कि नहीं करूंगा, तभी तो उनको बेचूंगा। तो अब आप इसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो वही चीज लिखनी है आपको, ये रुपए हैं आपके और ये आपके आर्टिकल हैं, यानी वस्तु हैं। तो 1 रुपए में 2 की दर से, 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे, फिर एक बार और खरीदे 1 रुपए में 3 की दर से, यानी 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे। ध्यान रहे ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। ठीक है, अब आप इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे का मतलब बराबर करेंगे। तो पहले इस इक्वेशन को बराबर कर लीजिए। ठीक है, 3 1 3 और 3 2 6, फिर आया 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और 2 3 6। आप ओवरऑल क्या हुआ, तो अब आप देखेंगे कि सर ओवरऑल हुआ है 5 रुपए में 12 संतरे मैंने खरीद लिए। ठीक है, ये सीपी है आपका, ओवरऑल सीपी है ना। ओवरऑल सिचुएशन क्या है, 5 रुपए में ये रुपए हैं क्योंकि ऊपर आ रहा है और ये 12 आपकी क्या है, वस्तु है, आर्टिकल। अब आपको क्या बोला गया है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने में बेचने चाहिए। देखिए 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन इक्वल टू 12, तो ये तो 1 दर्जन ही है सीपी, 1 दर्जन खरीदे, कितने में खरीदे, 5 रुपए। अब आपको कितने रुपए में बेचने चाहिए, तो आपको पता है 5 का 20% निकालेंगे आप, तो 5 का 20% का मतलब 1/5, यानी 1, यानी 5 रुपए के सामान को अगर आप लाए हो तो 1 का प्रॉफिट कमाओगे, तो बेचोगे कितने में, बेचोगे कितने में, 6 में। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका एसपी क्या हो जाएगा, ये 6। ठीक है, और ये एसपी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है, संतरा बाहर ही है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ, 1 रुपए में आपने पहले 2 खरीदे थे। ठीक है, 1 रुपए में पहले आपने 2 खरीदे, फिर आपने क्या किया,
फिर आपने किया कि 1 रुपए में आपने 3 खरीदे, तो हमने पहले इनको मिक्स किया घर पर आके। मिक्स किया का मतलब होता है क्वांटिटी इक्वल की, तो हमने देखा 3 में 6 खरीदे हैं, 2 में इतने, तो ओवरऑल 5 रुपए में हमने 12 संतरे खरीद लिए, यानी 1 दर्जन। तो अब आपसे पूछा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए, तो 5 का 20% कितना होता है? 1, क्योंकि 20% का मान हम जानते हैं कितना होता है, 20% का मान होता है हम सभी जानते हैं कितना, 1/5, यानी 5 पर 1 का फायदा, यानी कितने में बेचोगे आप? 6 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ, 1 दर्जन। ठीक है, अगर वो पूछे 2 दर्जन, तो आप 2 दर्जन के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज की इस प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज इसका ये 6वां पार्ट था, इसकी 1-2 क्लास और बची हैं, तो 1-2 क्लास और बची हैं तो उनको भी करके फिर इसका भी हम टेस्ट करेंगे। और आज सभी लोग शाम को PYP का सेशन ज्वाइन करना ना भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ये MP पुलिस का PYP सेशन है ना, PYP सेशन का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्लास सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको पता चलेगा कि TCS क्वेश्चन किस लेवल के पूछता है। तो शाम को 5 बजे मिलते हैं PYP सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।